सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ इसे दर्वेशो आवारा बेघरो ठग बहादुर दिलेरो बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादू एक वाली एक रूप एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार एक हजार इलाके ये तुम क्या कह रही हो जिन सचमुच होते हैं अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ना तो दुनिया में जिन होते हैं और ना ही जल परियां या ड्रैगन अलादीन के पास तो जिन था ना वो तो बस एक कहानी थी वो सच नहीं है तुम्हें कैसे पता जिन सचमुच होते हैं क्या तुमने देखा है जिन मैंने तो तुम्हारा दिमाग भी नहीं देखा तो क्या वो भी नहीं है हा? हाँ अम्मी जान इसे बताइए कि दुनिया में जिन विन कुछ नहीं होते अगर जिन नहीं होते तो फिर छोटे छोटे जिन कहाँ से आ गए मतलब छोटे छोटे जिन होते हैं आपको कैसे पता हबीब हसन नाम के एक आदमी को भी यकीन नहीं था बाद में उसे पता चला कि वो कितना गलत था ये पुराने पर्शिया के एक छोटे से अस्पताल की बात है एक साथ दो बच्चे पैदा हुए उसी दिन उसी वक्त एक बच्चा तो इंसानों के यहाँ हुआ था जबकि दूसरा जिन्नों के घर हुआ था ये लो बेटा कोई नहीं जानता था कि बच्चों की जगह आपस में बदल गई हैं और सच्चाई जाने बिना इंसान जिन के बच्चे को घर ले गए देखो तो इसकी आंखें तुम्हारी जैसी है हमारी बच्ची बड़ी खूबसूरत है मैं रसोई की सफाई करने जा रही हूँ हाँ ठीक है जी सुनती हो अरे जल्दी चलो तुम्हें ये देखना चाहिए क्या हुआ देखो जरा वाह मैं समझ गई तुम अपनी बच्ची की काफी फिक्र करते हो और जिन इंसानों की बेटी को अपने घर ले आए अरे इस बच्ची को क्या हुआ है ये बाकी बच्चों की तरह उड़ क्यों नहीं रही है हो सकता है थोड़े दिन बाद ही उड़ने लगे गलत बात मैं इसे उड़ना सिखाता हूँ ये देखो रम रम अब तुम उड़ सकती हो क्या जल्दी जल्दी चलो अब क्या हुआ ये देखो देखो मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है फर्श गंदा है कम से कम कंबल पर तो लिटाया होता पर मैंने लेकिन मैंने तुमने इसे पालने से हटाया ही क्यों मैंने नहीं हटाया पर एक सेकंड मैं दिखलाता हूँ अपनी मम्मी को दिखाओ तुम कितनी ताकतवर हो पागल हो गए हो क्या बच्ची को कुचल रहे हो तुम्हें क्या हो गया है चलो मेरी प्यारी बच्ची सो जाओ हबीब मेरी तरफ देखो मैं बाजार जा रही हूँ ठीक है जानू और जब मैं घर लौटूं हाँ बोलो तो बच्ची मुझे पालने में सही सलामत मिलनी चाहिए ठीक है ये लो ये है तुम्हारा चिराग चलो इसके अंदर जाना और बाहर निकलना सीखो मैं दिखलाता हूँ
ये कैसी बच्ची है भाई? मजे से खरीदारी करना, घर की जरा भी फिक्र मत करना, महंगी चीजें खरीदना। हाँ, वो मुझे बेवकूफ क्यों समझती है? मैं एक बच्ची को तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। क्या? इसकी माँ मेरी जान ले लेगी। अरे नहीं, ऐसा किया तो जरूर जान से मार डालेगी मुझे। मैं समझ गया, डॉक्टर को पता होगा कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर को पता होगा कि क्या करना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पूरा यकीन है इस बच्ची के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लो, ये फिर से उल्टी कर रही है। लो, नीचे करो। इन्हें खरीद कर लाया करो, चोर कहीं के। पर मैंने चोरी नहीं की। मैंने इसे नहीं उठाया, मेरी बच्ची ने उठाया होगा। कौन सी बच्ची? ये यहाँ तो खाली है। अरे भाई, वो उसी के ही तो अंदर है। मेरी बच्ची। पकड़ो उन लोगों को, उन्होंने मेरी दुकान में चोरी की है। क्या बात है, हमने तो डकैतों की तरह काम किया है। हम डकैत ही है, समझे तुम बेवकूफ? अरे हाँ, तुम ठीक तो हो ना? ये पैसे ले लो, हमें जेल में डाल दो। बस हमें बचा लो उस बच्ची से। वो मेरी बच्ची है। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। बाल बाल बचे। हाय, मैं वापस आ गई। तो सब कैसा रहा? बढ़िया। तुमने तो कमाल कर दिया। ओह,
हम अस्पताल से आए हैं, हमारे बच्चे बदल गए थे। ये बच्चा आपका है। कौन आया था? बस एक जिन आया था। क्या बकवास करते हो? ओ, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, अल्ले अल्ले। ये क्या? वाह! सुनो, हमारे बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी अभी तो वो अपने चिराग के अंदर खेल रहे थे। तो देखा तुमने, नन्हे जिन तो जरूर होते हैं। कौन जाने, कभी तुम भी किसी जिन से बदल जाओ। सच में? इंसान ही हूँ। वैसे जिन बनने में क्या फायदा, ऐसे ही खुश रहो ना। शुक्रिया। एक हजार कैफे, शानदार पार्टी, सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ, इसे हंसा लगा और प्यार बच्चों किससे सुनो ये मजेदार, एक हजार लगे।